क्या हाल है भाइयों। तो बहुत बहुत डिमांड आ रही थी एक विस्की की, जिसका नाम है विस्लर। विस्लर मतलब जो सीटी बजाए वो विस्लर। और पिकाडेली का ये प्रोडक्ट है। पिकाडेली का एक दिल्ली में द्वारका के पास बहुत बड़ा एक आई डोंट नो होटल है, क्या है, कोई सीक्रेट सोसाइटी है शायद। एक पक्षी बना हुआ है इस पर, शायद इस पक्षी का नाम विस्लर हो, क्योंकि पर यहाँ घोड़ा बना हुआ है। तो बिल्कुल जंगली दारू प्रतीत हो रही है। और 195 बाहर लिखा हुआ है, अंदर बोतल पे 185 लिखा है। पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज, विलेज भटसों, इंद्री उमरी उम रोड, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से हमें ये मिलती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड बनते हैं ना भाई, उन्हें मैं पहले ही बता दूँ, जो आपकी दारू आती है वो दिल्ली के बाहर से, हरियाणा पंजाब खेतों से आती है, और खाना भी खेतों से आता है। तो रिस्पेक्ट फार्म्स, रिस्पेक्ट फार्मर्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू विस्लर। सो देखते हैं कितना रिस्पेक्ट विस्लर का माँ पाएगी आज। और मौसम काफ़ी ह्यूमिड, ये मौसम, और मैं इधर उधर की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि कंडीशंस का बहुत महत्व है ड्रिंकिंग में और हर चीज़ में ही। खैर, अगर आपको नहीं पता, तो इंसान एक सामाजिक जीव तो बाद में बना, क्योंकि समाज तो हमने खुद बनाया, उससे पहले हम एक प्राकृतिक जीव है। इसलिए प्रकृति का आपके ऊपर बहुत असर होता है, और प्रकृति से बिल्कुल अलग एक डब्बे में बंदी विस्की आई है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करें। और भी चैनल है यूट्यूब पे, सबको देखें और थोड़ा बहुत हमारा भी देख लें। तो ये है विस्लर विस्की। कुछ कुछ बेरेंट्स पी थी हमने। विस्लर का ढक्कन अपनी खोज में निकल गया। कहाँ गया ये रहा। सो द बोटल इज़ लाइक बेरेट्स विस्की विच इज़ कूल। और बिल्कुल ही अलग जगह से है, भड़सों, इंद्री उमरी रोड, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। करनाल में जो एक मूवी शूट हुई थी रणदीप हुडा की, लाल रंग। और करनाल शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ना जाने क्यों, शायद कोई मेरी पुरानी दिल की तार है। ड्यूटी पेड इन डेली, नॉट फॉर सेल इन हरियाणा, स्पेशल दिल्ली वालों के लिए। और विस्लर, अगर विस्लर के लिए डिमांड जिन्होंने की थी हिट लाइक एंड अब आप कंपेरिजन करना कि मैं जो पी रहा हूँ और आप जो पी रहे हैं, या मेरा तजुर्बा आपको कैसा लगता है, क्या मैं एक सच्चा रिव्यू करता हूँ या झूठा करता हूँ, अच्छा करता हूँ या बुरा करता हूँ। सो द सील इज़ गुड। 195 पे 180 ml मिलता है। हालांकि 200 के दो क्वार्टर भी पी सकते हैं हम, 100-100 वाले। अगर हम 200 के क्वार्टर पे अपनी बाजी लगाएं, तो हम उस पर क्या क्या ध्यान रखेंगे कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसका नशा बहुत अच्छा हो, और काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत स्कॉची। और देखिए, जैसे टीचर और ब्लैक डॉग थोड़ी गोल्डन थी, ये थोड़ी रेड है। आई डोंट नो मोलेसिस की वजह से या नेचुरल कलर की वजह से, नेचुरल या आर्टिफिशियल कलर की वजह से। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के पीऊँ तो ये कैसी लगती है। 195 के रेट की है, इसका मतलब इसका मुकाबला ब्लेंडर स्प्राइट से होगा। हालांकि वो सीग्राम है, ये पिकाडेली है, बट दोनों ही बड़े ब्रांड है। पिकाडेली भी बड़ा ही ब्रांड है मेरे हिसाब से। और ये पहला लगाया जाए भैरों की, दारू दे ड्रम की स्मेल आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा। और थोड़ी स्वीट विस्की है, अच्छी है, फ्लेवर अच्छा है भाई, टॉनिक अच्छा है। साथ में हमारे कुल 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 है, इस पर एयरटेल 2 GB दे रहा है, पर मेरे पे एयरटेल की सिम नहीं है। कुरकुरा इज़ वेरी गुड, बिकॉज ये ऐसा लगता है कि आप तंदूर से निकला हुआ कुछ खा रहे हो, और ये स्नैक है। तो कुरकुरे हाईली रिकमेंडेड है जी। कुरकुरे भी हरियाणा से आए जी, तो आज हरियाणा जिंदाबाद हो रहा है। फिर थोड़ी जाट भाषा बोलू के, अरे बोलू के, मुँह खोलू के। तो काफ़ी अच्छा अभी तक मुझे अनुभव हुआ। क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं यार, अभी तो एक पैक लगाया, तो कैसे अनुभव होगा। ऐसे ऐसे पोर की हमने इसकी। अब थोड़ी स्मेल इसकी अगर मैं लूँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देखो बोतल बहुत अच्छी है, देखने में। देखो स्मेल के मामले में तो ब्लैक डॉग और टीचर से भी आगे की स्मेल है। सही में बहुत अच्छी, मन कर रहा है सूंघता जाऊँ, ऐसी स्मेल है।
और कुछ मिक्सचर है जो मुझे समझ नहीं आ रहा किस किस चीज चीज का है, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हरियाणा में क्या होता है? गन्ना। गन्ना में क्या होता है? गुड़। थोड़ी सी गुड़ की याद दिला रही है मुझे। गुड़ मीठे को भी कहते हैं, और मीठा मतलब गुड़ दूसरी भाषा में किसी और को भी कहते हैं, जो इंस्टाग्रामर और टिकटॉकर है वो अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। गुड़ थोड़े उस बंदे को कहते हैं जिसमें थोड़ी मैनली तत्व कम होते हैं उनके हिसाब से। मैं नहीं कहता भाई, मैं तो उन लोगों को चूतिया कहता हूँ जो दूसरों को जज करते हैं। और इंस्टाग्राम और टिकटॉक में ज़्यादा फ़र्क तो रह नहीं गया, और मेरे को समझ नहीं आता वहाँ लड़के लड़की आखिर, खासकर लड़की आखिर कर क्या रही है। लड़कियाँ पहले एक्सपोज करेंगी, फिर अगर कोई लड़का कुछ बोलेगा तो उसको टैग कर देंगी कि देखिए ये लड़की की फ्रीडम छीन रहा है और ये हमारे बॉडी पार्ट्स पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है। अरे पर आप वही तो करवा रही हो फेमस, ही आप उससे हो रही हो। आप जिम जा रहे हो तो फिर आप जिम जा रहे हो तो कोई एक्सरसाइज बताओ ना लोगों को। आप अपनी बॉडी शेपिंग तो खुद ही करवा रहे हो, फिर दूसरे का नाम क्यों ले रहे हो? तो चूतिया है बिल्कुल ये जो भी इन्फ्लुएंसर, मेरा घंटा इन्फ्लुएंसर बहन चोद, एक वो मेकअप मेकअप के चौधे बन गए आजकल सारे। मतलब जो भी लड़की अपने कॉलेज से वेली बैठी है, नौकरी नहीं लगी, ट्यूशन पढ़ा रही थी तो सोचा मैं भी मेकअप कर लूँ, वो मेकअप लगाया, ग्लोसी ग्लोसी लगाया, लो जी बन गए इन्फ्लुएंसर, मेरा घंटा इन्फ्लुएंसर। ऐसी वो फेमस हुई थी कुशा कपिला, तो उसने कंटेंट अच्छा बनाया कॉमेडी का, मैं ये नहीं कह रहा, और मेरे को सही भी लगती है वो एक तरह से जो भी वो करती है। पर मैं उसको फॉलो करता था तो मुझे भी लगता था भाई टैलेंटेड होगी। टैलेंट का मतलब स्क्रिप्ट नहीं होती। अभी वो एक शो आया था अमेजोन पे, कॉमेडियंस का था भाई, उसको उसमें तो ह्यूमर ही नहीं है। ह्यूमर होना चाहिए यार, इवन कपिल शर्मा में भी इतना अच्छा ह्यूमर नहीं है, वो भी स्क्रिप्ट का देवता है, बट फिर भी वो कपिल शर्मा बहुत बेहतर है। ह्यूमर का मतलब है थोड़ा बहुत सुदेश लहरी, थोड़ा बहुत कृष्णा, दोनों बढ़िया बंदे हैं। और थोड़ी सी ना आप इस विस्की की स्मेल की बात करूं तो जो एसेंस आ रही है ना, वो एक गेंदे का फूल होता है ना जी, सनफ्लावर नहीं, गेंदे का फूल होता है, और एक मिर्ची वाला फूल होता है जिसको आप स्मेल करोगे तो आपको लगेगा ऐसी मिर्ची की स्मेल आ रही है, येलो कलर का ही होता है वो भी, तो कुछ वैसा एहसास हो रहा है। थोड़ा सा ऐसा इसमें लग रहा है कि हल्दी है, हल्दी मतलब टर्मरिक, यही कहते हैं ना, ट्यूमेरिक या टर्मरिक, माचुदा जो भी कहते हैं। विस्की अच्छी है, अभी तक कुछ भी इसने असर नहीं किया, ना अच्छा ना बुरा। जो लोग कहते हैं हमें टेस्टी विस्की पीनी है, जो लोग कहते हैं कड़वी नहीं पीनी, उनके लिए काफ़ी अच्छी है, और तो न्यू बंदों के लिए काफ़ी अच्छी है भाई। और कोई गर्ल ट्राई करना चाहती है तो भी बहुत अच्छी है, जिनको थोड़ी विस्की से स्वेल स्मेल से प्रॉब्लम होती है वो अच्छी है, उस हिसाब से अच्छी है। अब इसमें मोलेसिस है या नहीं आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। कोई भी सजेशन हो चैनल को लेकर तो कमेंट किया करो, और आजकल मेरे सब्सक्राइबर कई खोए खोए हैं, तो जल्दी जल्दी यार आया करो, और आपकी बातें सुनने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे पी तो मैं अकेले में भी सकता हूँ, मैं वैसे भी अलोन ड्रिंकिंग मुझे पसंद है, और अभी तक तो विस्की काफ़ी अच्छी लगी मुझे, कोई भी ऐसे गंदी नहीं लगी, जैसे कोई हार्श नहीं है बिल्कुल भी, स्मूथ अच्छी है, और एक थिक विस्की है, इट्स नॉट अ शार्प और स्मूथ विस्की, इट्स अ थिक विस्की, बट ठीक के साथ स्मूथनेस भी अच्छी है, ये मुझे चाहिए था। ठहराव है अभी तक तो विस्की में, आगे देखते हैं कि क्या गुल खिलाएगी ये। तो अगर आप कोई भी विस्की पियेंगे तो आप उसमें क्या देखेंगे? अब जैसे एक बार मेरे भाई ने मुझे रेड लेबल पिलाई, तो उनको वो बड़ी अच्छी लग रही थी, उनको बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी, वो एयरपोर्ट से लाए थे, तो उन्हें लग रहा था भाई गांड फाड़ दी हमने तो दुनिया की, स्कॉच पी रहे हैं। और भाई सच बताऊँ मेरे को तो वो ऐसी लग रही थी, वो इंपीरियल ब्लू से भी बेकार लग रही थी। तो ये अपने माइंडसेट पे भी है। और आप एक अच्छी विस्की में क्या देखना चाहेंगे? कि उसमें मात्राएं सही हों, उसमें कई लोगों को स्मोकी चीज़ें पसंद है, कई लोगों को शार्प चीज़ें पसंद है, इसलिए रिव्यू तो मैं तभी कहता हूँ, कोई नहीं कर सकता, जो भी रिव्यूअर बैठे हैं करोड़ों सब्सक्राइबर लेके, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं और सब मोनेटाइजेशन के लिए कर रहे हैं भाई। देखो कोई मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को भी अगर मोनेटाइज होकर पैसा मिलता तो मुझे भी अच्छा लगता है, या सुपर चैट से मिलता तो मुझे भी अच्छा लगता है। बट फिर भी एक बार अपने जो भी दोस्त मित्र है ना,
उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तो अच्छी विस्की में आप कुछ भी नहीं देखते, अच्छी विस्की में आप एक अटैचमेंट जहाँ जुड़ना होता है वो जुड़ जाता है, एक लड़की की तरह, ठीक है। किसी का देसी से जुड़ जाता है तो देसी पीने वाले को बुरा मत बोलो, किसी का ओसी ब्लू से भी जुड़ जाता है। तो नो जजिंग प्लीज़, उसकी उसकी ज़बान का स्वाद है, उसको पीने दो। बाकी अभी तक कहना चाहूँगा तो बड़ी रेयर विस्की है विस्लर, और मुझे भी बताएं अपने अंदाज़ आप कैसे पीते हैं। अभी कॉलेज के दिन तो क्या ही, आपका चूतिया कट गया, मोदी जी को वोट देके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया और कॉलेज बंद हो गए, और सबसे चूतिया कटा थर्ड ईयर वालों का, फिर सबका ही चूतिया कट गया। पता नहीं साइंस वाले लैब वाले बच्चे कॉलेज जाते होंगे, वो भी मुझे लगता है मकड़ी के जाली साफ़ करते होंगे वहाँ पर प्रैक्टिकल में, और क्या करेंगे। तो अंदाज़ बहुत अच्छा है विस्की का, विस्लर विस्की जिन्होंने भी रिकमेंड करी, काफ़ी समझदार बंदे हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, अगर आप विस्की में, आप विस्की एक जान वाली विस्की है, मतलब सोल है इस विस्की की, मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक हमने कड़वा कड़वा पिया, नशा हुआ और सो गए, जो कि एरिस्टोकैट में ऐसा ही होता है ना, बॉटम्स अप में सस्ती विस्की में ऐसा ही होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो कई लोग मेरी सस्ती विस्की पीने पर बहुत कमेंट भी करते थे, तो भाई अगर मैं ये बातें आपको इसीलिए तो बता पाता हूँ क्योंकि मैंने सारे बेसिक ब्रांड पिए हुए हैं। देखो भाई, सहवाग सहवाग बनना है, सहवाग की तरह खेलना भी तो पड़ेगा ना, जिस बॉल को लोग डिफेंस करते हैं उस पर चौका मारना आता है हमें। इट्स अ वेरी कलरफुल विस्की, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ क्रिएट्स विजुअलाइजेशंस इन योर माइंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अलोन और ड्रिंकिंग विद योर स्पेशल पर्सन। इट्स अ वेरी स्पेशल विस्की मैन, मुझे अच्छी लगी 195 रुपये में, तो मैं इसको अपने रेयर ब्रांड में ज़रूर प्लेलिस्ट में भी रखना चाहूँगा। और इट्स अ वेरी मेलोडियस विस्की एज इट्स लेबल एक्सपोजिंग इट्स सेल्फ विस्लर। तो मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी ही है, करनाल टाइप ही है, करनाल से आगे बस थोड़ी आगे पहुंच पाती है, बट आप यार मैं ताऊंगल जी पे ना जाई, बस तू थप्पा लगा, दोस्ती पक्की है अपनी, पर ऐसा भी दोस्त नहीं हूँ जो फुकरी हमारे, जित कहेगा उत बुला लिए, गैंड पाड़ दांगे, गांड में खूटा ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को याद है मैं शिवाजी कॉलेज में था, तो वहाँ पे ग्रुप थे भाई, ग्रुप जाटों के भी होते हैं, गुजरों के भी होते हैं, मुस्लिमों के भी होते होंगे, हिंदुओं में भी होते होंगे, सरदारों के भी होते होंगे, अपना कोई ग्रुप नहीं था भाई, पर अपने सारे दोस्त थे। अपनी जिससे बचती थी, अपनी बचती थी भाई किसी सिक्योरिटी के मेन बंदे से, किसी टीचर से, किसी प्रिंसिपल से, मतलब ऐसे टाई वालों से ज़्यादा बचती थी। स्टूडेंट तो क्या बताऊँ, होते हैं कहीं गांड में हुड़क करते हैं कि आपका टाइम ख़राब हो, पर क्या बोले, फिर भी कॉलेज लाइफ के बारे में इतना कहूँगा, जो भी कॉलेज में है, जो भी रेगुलर जाने का जिनको मौका मिले या जो कॉलेज जाएंगे भाई, इन 3 साल की अगर डिग्री है ना तो 900 दिन 65 छुट्टी लगा लो, 900 दिनों को ना 9 हफ्ते मान के चलना, ये यूँ बीत जाएंगे। क्योंकि आप अपना बचपना देखो, वो कल की बात लगती थी जब आप गलियों में खेलते थे, फ्रूटी के लिए लड़ते थे, आज दारू के लिए लड़ते हो, फन फ्लिप्स खाते थे, आज चिकन खाते हो, वो कल की बात ही तो लगती है बहन चोद, कोई बहुत दूर लगती है। तो ज़िंदगी बहुत छोटी होती है उस हिसाब से, इसलिए कॉलेज लाइफ को फुल एंजॉय करना, सारी गलतियाँ करना ताकि बाद में कोई गलती ना बचे। अभी यूनिवर्सिटी की सेकेंड कट ऑफ आई है, भगवान करे इन बहन के लोड़े नेताओं की माँ चुदे और आपको रेगुलर कॉलेज जाने का मौका मिले। अगर आप कहोगे मैं नेता का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो बीमारी फैली हुई है लॉकडाउन की, कोविड की वजह से होता है, तो ये कोविड बहुत बड़ा षड्यंत्र है, अपनी माँ चुदाओ, मैं तो सच बोलूँगा। अगर मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हूँ तो सरकारें क्या हैं, सरकारें तो आपको अपने आप पे यकीन दिलवाना ही चाहती है ना, सरकारें तो ये
ये अपनी छवि देवताओं की तरह बनाना चाहती हैं। अभी जिस बहन के लैंड ने गाड़ी चढ़ा दी उन कई बंदों पे, वो क्या अच्छा हुआ? आप समर्थन करेंगे कि ऐसे कोर्ट का, ऐसी पुलिस का, ऐसे समाज का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ पासपोर्ट कोई बनाने आए तो आपके घर से एक बंदा गए कि ऑफिसर को 500 रुपये दे दो, पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा। जहाँ पुलिस वाले आप पे कागज़ भी पूरे हो फिर भी पुलिस वाला 100 रुपये मांगे और आप मना ना कर पाए, वो मांग रहा है आप तो मना करो। हर चीज़ का फैसला पुलिस नहीं करती, पुलिस डिसिप्लिन में रखने के लिए है, फैसला कोर्ट करता है। उनको पता है कि बंदा कोर्ट नहीं जा सकता, इसकी जेब में पैसा नहीं है या इस पर टाइम नहीं है। इस बात का फ़ायदा अफसर उठाते हैं, पुलिस अफसर हो चाहे कोई हो, बुरे वाले अच्छे वाले भी हैं जिन्होंने मेरी भी मदद करी है। होता है भाई, सबके साथ उतनी चलती रहती है ना, कोई भी महान नहीं है। तो बातों से आपको पता लग गया होगा बहुत गहराई में इस विस्की ने मुझे उतारा। हालांकि असर बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही एक माइल्ड असर है, बट इट्स अ वेरी गुड विस्की, वेरी स्मूथ विस्की, टच इज़ द सॉल एंड यस इट्स अ बिट स्कॉची। तो जिसने भी रिकमेंड की, हाथ जोड़ के आपका आदर करता हूँ जी, बहुत अच्छी विस्की आपने मुझे रिकमेंड करी, और आगे से भी कोई विस्की मुझे रिकमेंड करे। आई नो आप बैट 69 भी देखना चाहते हैं, आई नो आप वैलेंटाइन, मेरे शोंटी बाजी भी कह रहे थे, तो वैलेंटाइन तो जब भी आएगी शोंटी बाजी के साथ आएगी। जो भी मेरी लंबी वीडियो देखते हैं, इतनी दूर तक मेरे साथ आते हैं, उनके लिए मैं ऑफकोर्स अच्छे अच्छे तोहफे रखना चाहता हूँ। और अब बियर पीने का इतना दिल नहीं करता देखो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पैसे खर्च के मज़ा नहीं आता ना बियर में, हराम के पैसे हो या बहुत ही ज़्यादा पैसे हो तो फिर बियर भी पीते रहो, विस्की भी पीते रहो। बट सभी को ये कहूँगा भाई अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। देखो ये पार्क वार्क तो सबके यहाँ ही होते हैं, आई नो आप कॉम्प्लेक्स ज्वाइन नहीं कर सकते, आई नो आप कोई क्लब की मेम्बरशिप नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता, पर पार्क जाता हूँ मैं ना आपकी तरह, तो जाया करो यार। बहुत ही नूरानी विस्की है, और कौन मादरचोद कहता है विस्की हानिकारक है। मैं दो चार बार, मतलब जब भी मैं ये प्रीमियम विस्कीज पी रहा हूँ, बेसिक से ज़्यादा, बेसिक से ऊपर, सही बात है, अगर आप 200 की रेंज में विस्की पी रहे हैं ना, या 150 से ऊपर की विस्की पी रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर वो अच्छी लगेगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। भारत में विस्की इतनी महंगी नहीं है, और भारत का फायदा है, भारत में, हमारे भारत में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ना देसी वाला सूखा भूखा मरे, ना इंग्लिश वाला। और ठेकों की हालत ठीक है, कोई ऐसा अकाल नहीं पड़ा, कोई प्राइवेट बंद होने से कुछ नहीं हुआ। लोग मादरचोद, लोग बहन के लोड़े पैनिक के नाम पे सरकार का साथ दे देते हैं, सरकारों को टैक्स और पैसा बढ़ाने का मौका दे देते हैं। अभी ये कोयले वाली बात छिड़ी हुई है, कह रहे भाई एक दिन का कोयला बचा है, तीन दिन का बचा है, अरे बहन के लंडो, तुम्हारे बंद IAS IPS कब से बैठे हुए हैं, व्हाट दे कैलकुलेटिंग मैन, अपनी गांड सेक रहे हैं वहाँ बैठ के, डेढ़ डेढ़ लाख दो दो लाख रुपये कमा रहे हैं आधे महीने के, अपनी माँ चुदा रहे हैं वो। खनिजों का जो दुष्प्रभाव आप कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर, उनको बेच के आप आम आदमी की गांड मारना चाहते हैं। 10-15 रुपये लीटर पानी कर दिया, कल को ये पानी 50 रुपये लीटर बिकेगा भाई, जब तक हम बुड्ढे होंगे। टू बी ऑनेस्ट, अपने कॉलेज में मैंने एक प्ले लिखा था जो कभी हो नहीं पाया, मैंने तीन प्ले लिखे, तीन चार तो हो गए थे, एक हो नहीं पाया क्योंकि हम ही पास आउट हो गए। कॉलेज की लाइफ तो बहन की लोड़ी, दस कॉलेज ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ आप कभी भी आ जा सकते हो। तीन साल ये तो बच्चे को चूतियाँ बनाते हैं, फीस लेते हैं, भेज देते हैं। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ वेरी गुड लाइफ, जहाँ आप पढ़ाई तो देखो हर जगह करोगे, जहाँ पे कोई अगर ऐसा बच्चा भी है ना जिसको टेक्निकल डिग्री में एडमिशन नहीं मिला, या साइंस फील्ड में नहीं मिला, जहाँ जॉब वाली कोई ऐसी भी नहीं मिला, वो अपनी ज़िंदगी कला में, कला के क्षेत्र या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से सुधार सकता है। मैं उसका ये तो दावा नहीं करता कि फाइनेंशियल उसको फ़ायदा होगा नहीं होगा, फाइनेंशियल फ़ायदा उसको तब होगा जब पार्लियामेंट में लोग असली में चुन के जाएंगे हमारे जैसे। ये नहीं, ये तो ये मोदी हो चाहे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो सारे बिके हुए होते हैं। आप ही बता दो, स्मृति ईरानी और ऐसे लोड़ुओं का क्या फ़ायदा है, या इवन सचिन तेंदुलकर का पार्लियामेंट में क्या फ़ायदा है? वो पार्लियामेंट की शान बढ़ा रहे हैं और है थोड़ी कुछ, मतलब वो पार्लियामेंट में आता तो उन नेताओं का एक कवर बन जाता है कि सचिन जैसे लोग भी इस पार्लियामेंट में आते हैं। पार्लियामेंट कोई मंदिर नहीं है, पार्लियामेंट
वो रंडी खाना है जहाँ ये बहन के लंड बैठते हैं और आपको बेचते हैं, आपकी जुदाई करते हैं। सॉरी टू से बट दैट्स द ट्रूथ। राहुल गांधी हो या मोदी हो, सारे मिले हुए हैं, सब एक छतरी के नीचे रहते हैं। वो छतरी किसने पकड़ी हुई है आपको वो जानना है। आप लाख धरने कर ले, आज की डेट में कोई फायदा नहीं है धरनों का, क्योंकि मीडिया तो वो दिखाएगी ना जो होगा। किसानों ने कब से खूंटा गाड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहां धरना देने का फायदा ही नहीं है। कहना नहीं चाहिए, बहुत रेवोल्यूशनरी बयान है मेरी तरफ से तो। पार्लियामेंट ने ग्रंडी खाना है। तो है पीपल कमेंट दैट डोंट टॉक पॉलिटिकली, यू डोंट नो, यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन और दैट काइंड ऑफ पर्सन। उनके लिए ना एक सेपरेट वीडियो मैं या लाइव ही आऊँगा किसी दिन, जिसकी गांड में ऐसी चुल है वो भी मुझसे बात कर ले। बाकी भाई मेरे ड्रिंकिंग सेशंस तो ऐसे ही होते हैं। आजकल मेरे ड्रिंकिंग सेशंस इतने पीसफुल नहीं होते, मैं जानता हूँ। कोई किताब लिखूंगा तुम्हारे आगे यार, यहीं बैठ के लिखूंगा, है लाइव आऊंगा, किताब छापूंगा और तुम ही खरीदोगे, मुझे रेवेन्यू भी आएगा, मेरा काम चलेगा ना। अगर मेरी बात में दम है तो बताओ, क्या हम किसी से कम है? सॉरी, अब यू टर्न मार के आते हैं विस्लर पे। तो विस्लर ने मुझे कभी तनहा नहीं छोड़ा। पहले दूसरे बैंक में तो मुझे लग रहा था कि भैया कुछ हो नहीं रहा, बट जैसे मैं थोड़ा डाउन होता गया, मौसम बहुत ह्यूमिडिटी वाला है, आई एम स्वेटिंग, पानी सही था आज, बढ़िया था। विस्लर ने मुझे तनहा नहीं छोड़ा, विस्लर ने अपनी एक गहराई बनाई रखी जो कि मुझे बहुत पसंद आई, जो कि मुझे बाकी विस्कियों में मिसिंग लगी, जो कि मुझे इवन टीचर्स में भी थोड़ी सी खलल लगी थी, वो आज विस्लर ने पूरी करी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो विस्लर पी के देखो, जो भी टीचर के दीवाने हैं। जैसे कंवर आनंद जी हमारे चैनल पे कह रहे थे उस दिन कि टीचर स्मेल उन लोगों के लिए है, तो कंवर आनंद जी मुझे पता टीचर से बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनको ऐसा लगा हाईलैंड क्रीम से। बट टीचर मतलब कंवर जी, विस्लर पी के देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे माइंड का एक प्रोग्राम होता है जो आपको ये बताता है। और एक कंपैरिजन वीडियो ब्लैक डॉग वर्सेस टीचर आएगी मेरी, वो भी ज़रूर देखना, तो आपको थोड़ी डेप्थ में पता लग जाएगा। तो जो टीचर पीते हैं वो विस्लर ज़रूर पिए, मुझे लगता है इसी उम्मीद में इसका कलर भी कुछ कुछ टीचर जैसा रखा गया। तो अगर थोड़ा सा भी आप मुझे लेजिट समझते हैं रिव्यूज़ के मामले में, या विस्की के मामले में, या बियर के मामले में, तो आप देखना विस्लर पी के। और अभी भी आपने मेरा पुराना वादा पूरा नहीं किया, पुराना वादा कंवर आनंद के लिए कह रहा हूँ, पुराना वादा था ब्रिहांस पीने का, ब्रिहांस का था या उससे पहले, जो भी था पुराना वादा, मैं चलो बाद में उनको मतलब उनको ध्यान नहीं आ रहा क्या था, ब्रिहांस था या उससे पहले था, जो भी था मैं दोबारा लिसन करूँगा। मैं इस विस्लर विस्की बहुत अच्छी है, बाकी आप सीटी बजाओ और मूव वहाँ उसको पी लो, हाईली रिकमेंडेड है। मैंने स्कॉच को 4.8 और 4.7 मार्क्स दिए ब्लैक डॉग और टीचर्स को। अब आप कहेंगे तो इससे ऊपर की पिएगा तो तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा? मैं जो 5 का ग्राफ है ना अपना, 5 का जो थ्रेशोल्ड लगा हुआ है उसको 10 कर दूंगा तो क्या करूँगा? तो मेरे को आइडिया मत दिया करो, मेरे पे इतने आइडिया हैं कि लंड का कुतुब मीनार बना दूँ और चूत का बना दूँ अग्रसेन की बावली। आई एम सॉरी जो भी गर्ल्स देख रही हैं, बट गर्ल्स भी गालियाँ देती है भाई अपने अकेले में, कोई बात नहीं, ये कोई मैं संत महात्मा तो हूँ नहीं, गाली दे दी तो दे दी। और चूत और लंड होते क्या है? वट इज़ पेनिस एंड वट, मुझे नहीं पता चूत को क्या कहते हैं, पूसी, क्या होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द बॉडी है यार, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सही है, कुतुब मीनार हो या अग्रसेन की बावली हो, बुरा मानने की क्या बात है? जलेबी की तरह गांड मत फुलाओ। विस्लर विस्की हाईली रिकमेंडेड है। किन किन के लिए हाईली रिकमेंडेड है? सबके लिए, इट्स अ ऑलराउंडर विस्की। बट दोज पर्सन हु नीड टेस्ट, जिसको स्वाद पसंद है, जो कहते हैं मैं कड़वी नहीं पीऊँगा मेरी गांड फट जाएगी, वो विस्लर पी लें।
उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मुझे पता है पाकिस्तान, बांग्लादेश जिन क्षेत्रों से लोग मुझे देख रहे हैं, वहाँ इतनी विस्की नहीं मिलती, पर फिर भी वो देखते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया और लव यू। और सब्सक्राइब करने को मैं कभी नहीं कहता, मैं कहता हूँ जिसके साथ भी आप कित पीते हैं उसके कान में बोल दें, यूट्यूब पे एक बंदा है ट्रैवलिंग बोटल, उसको सब्सक्राइब करना हो तो कर लिए, उसकी वीडियो देख लिए भाई। और बाकी विस्लर के लिए जिन्होंने बोला भाई, मेरे को बहुत पसंद आई, और मैं इसको 5 में से आज दूंगा 4.2 अंक, और काफ़ी स्टैंडर्ड ड्रिंक है, और आई डोंट केयर अबाउट मोलासेस एंड ऑल। आई सजेस्ट यू टू वर्कआउट एवरी डे, और इफ़ नॉट एवरी डे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 दिन तो जाओ रनिंग करो, ठीक है? बॉडी आपकी पंप रहनी चाहिए, बात ख़त्म। बीपी बीपी की प्रॉब्लम है तो भाई भाई देख लेना भाई, ठीक है ना? बीपी की प्रॉब्लम है उसके भी कई सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें नमक कम खाओ आप, पानी ज़्यादा पियो। तो बाकी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके हर एक एक्सप्रेशन का जो आपने इस वीडियो को देखते हुए दिया, और अभी तक सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। आने वाले टाइम में चाहे वो WAT69 हो, चाहे वो कोई और हो, कोई हमारे हाथ से बच के तो रहेगी नहीं, और हम अपने अंदाज में ही रहेंगे। दुनिया कुछ भी कहे, सरकारें कोई भी है, जो भी मैं पॉलिटिकल ड्रामा करता हूँ यहाँ पे, ये मेरा नहीं है यार, ये लोगों का ही है, और मैं एक समाज में रहता हूँ तो बोलना पड़ता है ना। अब मैं झूठे समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं सारा समाज कैसे तोड़ूँ? मैं समाज को नहीं तोड़ सकता, मैं खुद को तोड़ के जंगल में तो जा सकता हूँ, बट फिलहाल मैं नहीं जा रहा, और मैं जंगल में जाऊँगा तब भी वीडियो बनाऊंगा ना आपके लिए। तो इसी बात पे मिलता हूँ अगली बार किसी और महफिल में। दिस इज़ ट्रैवलिंग बॉटल, इंस्टाग्राम ट्रैवलिंग _ बॉटल, और जो मर्जी डाल दो आ ही जाएगा, या टेक्निकल शराबी डाल दो, हाँ मैं वही बंदा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये महफिल कैसी लगी? अपने दिल से कमेंट करना, और मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। 27 मिनट पूरे हो गए हैं। जय भैरवी, विस्लर इज़ अमेजिंग।